हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज हम सब फ्रेंड्स लोग मिलके एक ट्रिप प्लान किया था। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं नेरल, करजत के बाजू में नेरल करके प्लेस है, वहाँ पे लोकेशन है। ये लोकेशन का नाम है यमुना बाग। एक प्योरली एक नेचुरल फॉरेस्ट में रहने का एक फील आपको यहाँ पे आएगा तो मिलेगा। एक नदी के बाजू में, वो भी बारिश के मौसम में, इतने से भरे हुए एरिया में स्टे करना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही वाइब है। यमुना बाग एक बहुत फेमस है यहाँ पे। मुंबई से सिर्फ 2 आवर्स ट्रैवलिंग करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, और नेरल स्टेशन से हार्डली 15 मिनट्स है, आप ये लोकेशन पे आके पहुँच सकते हो। देखो गाइस, बारिश में फुल ग्रीनरी, कितना ग्रीनरी देखो। और यहाँ पे हम लोग जब आए मस्त बारिश हो रही थी, बाजू में देख सकते हो दूर, बहुत दूर नहीं, थोड़ा पास ही नदी है। और ये किस लोग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा राइड्स है, स्लाइड्स है, बाद में पीछे वाला बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये आपको विला वाला फील नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एक टेंट हाउस, एक प्योरली गांव का लुक फील मिलेगा आप लोग को। और देखो गाइस, नदी देखो फुल फोर्स में, फुल फ्लो में बह रही है, अच्छा खासा बारिश हो रहा है। और यहाँ पे स्टे करना, एंजॉय करना एक अलग ही मज़ा है गाइस। यहाँ पे स्विमिंग पूल है आपके पास, बाकी क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जगह एकदम स्पेशियस है। देखो फुल मैंगो ट्रीज है, मैंगो का फुल एलिमेंट ट्रीज लगा है सब चारों तरफ से। और ये ऐसा विला आपको मिलेगा, विला नहीं बोल सकते, एक टेंट हाउस ऐसा आपको मिलेगा। 10 जन 15 जन ऐसा आपके ग्रुप के हिसाब से आपको ये लोग अलॉट करेंगे, और यहाँ पर आप एक दिन स्टे कर सकते हो। और उन लोग का पैकेज है कुछ 1500 रुपीज़, उसमें आपको 2 times food ब्रेकफास्ट सब मिल जाएगा आपको। और ये है स्विमिंग पूल, स्पेशियस एकदम बड़ा वाला स्विमिंग पूल है। यहाँ पे हम लोग सब फ्रेंड्स लोग वाइप कर रहे थे, और अच्छा खासा बारिश भी हो रहा था, तो हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे गाइस। ये देखो फुल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुल मज़ा कर रहे हैं एकदम। ये स्विमिंग पूल भी इतना बड़ा है ना, एक 50 से 60 जन आप आराम से इसमें स्विम कर सकते हो। और अच्छा इसका अच्छा वाला ये भी था, इसका डेप्थ भी अच्छा खासा है, तो आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हो, सब खेल सकते हो, बाजू में ग्राउंड भी है छोटा सा। और ये स्विमिंग पूल के बाजू में ही आपको बैरिकेड के बाद एक नदी है जो फुल फ्लो में बारिश के कारण बह रही है। देखो सब लोग जंप बिम सब मार रहे स्विमिंग पूल में, फुल पानी दिखते हैं, सब लोग एकदम कवरा वरा हो गया, मज़ा कर रहे सब लोग, डांस चल रही है सब लोग ने स्विमिंग पूल में, बारिश हो रही है और एकदम डांस डीजे वीजे लगाया है, वहाँ पे स्पीकर है, उसमें आप नाच सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सब लोग फुल वाइब फुल फन कर रहे हैं। आप लोग भी आपके फ्रेंड्स लोग के साथ आए थे, एकदम मस्त लोकेशन है, आप एंजॉय कर सकते हो, अच्छा खासा डांस यूज कर रहे हैं। लोग आपको वाईफाई सब प्रोवाइड करेंगे, स्पीकर सब प्रोवाइड होगा, एकदम फुल सेफ जगह है यहाँ पे। और उनका जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो भी एकदम पोलाइट है, एकदम हम्बल है, जो भी आपको जियो सब वो सर सर्विस दे देंगे, अच्छा खासा सर्विस करते हैं वो लोग, एकदम फ्रेंडली है नेचर में। आपको जो चाहिए सब मिलेगा, एकदम होम स्टाइल फूड मिलेगा आपको, और कोई कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं, फुल एंजॉय कर सकते हैं आपको। आपको एक वर्क प्रेशर से कुछ अलग जाना है, कुछ रिलैक्स होना है, तो यहाँ पे आ जाइए, एक दिन स्टे करो, आपको गाँव वाला फील भी मिलेगा, और एक स्विमिंग पूल फ्रेंड्स का एक वाइब करेंगे, मस्त प्लेस है गाइस। हमने अच्छा खासा नाचा गाया और एंजॉय किया, देखो हमारा डांस। फुल मज़ा लिया है रेनी सीजन में, यहाँ पे एंजॉय करने का अलग मजा आया इसे, प्लीज विजिट, लोकेशन बहुत अच्छा है, प्लीज एंजॉय। I'm going to go to the hospital.
रेन डांस का जगह, यहाँ पे रेन डांस सब कर सकते हैं हम लोग। नेचुरल रेन भी हो रहा था और एक आर्टिफिशियल रेन भी हो रहा था, दोनों में हमने एंजॉय किया। मजबूत फ्रेंड्स एंड फैमिली का एंजॉय करने के लिए मस्त लोकेशन एक से बढ़कर एक डांसर से सब लोग। फिर डांस पीस करके थोड़ा थक गए, फिर बोला चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने मिसल प्रोवाइड किया हम लोग को, मिसल पाव। हम लोगों ने सब जम के मिसल पाव और एक कड़क चाय पिया, मज़ा आ गया। इतना डांस करके थकने के बाद ये ब्रेकफास्ट खा के एकदम दिल खुश हो गया था। एकदम स्पाइसी, एकदम टेस्टी मिसल था और उसके बाद एक कड़क चाय, कटिंग चाय, एकदम दिल खुश हो गया। हम लोग ब्रेकफास्ट सब करके क्योंकि थोड़ा गए, देखा तो बारिश अच्छा होने के कारण बाजी में जो नदी था जो फुल फ्लो में एकदम फास्ट बह रही थी, पानी का लेवल बढ़ते जा रहा था, देखने को एक अलग मज़ा था। और देखो फुल ग्रीनरी ग्रीनरी, आसपास कुछ नहीं, रूम नहीं, कुछ नहीं, एकदम लास्ट है ये। इसके बाद पूरा वो नदी नदी एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, ये प्रॉपर्टी एकदम लास्ट है जगह का। तो आपको एकदम पीसफुल और एकदम शांत वाला यहाँ पर माहौल को मिलेगा। देखो भाई कितना मस्त है। उसके बाद थोड़ा रात हो रही थी, फिर हम लोगों ने प्लान किया था चलो कुछ बारबेक्यू में चिकन बनाते हैं। तो हम लोगों ने सब चिकन विकन बनाया, उसको अच्छे से मैरिनेट करके ऑलरेडी हम लोगों ने लिखे आए थे। और हम लोगों ने यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉपर्टी का ओनर ने हमको बारबेक्यू भी दिया, हम लोगों ने वहाँ पर चिकन को अच्छे से फ्राई किया, थोड़ा खाए पिए, डांस वेंस किया, थोड़ा एंजॉय किया। बाद में थोड़ा थक गए थे फिर हम लोग, क्रिकेट खेलने का प्लान था लेकिन अच्छा खासा बारिश होने के कारण हमने चिकन बनाया और चिकन को टेस्ट करने के लिए फुल वेट कर रहे थे। ऐसा आउटिंग जाकर ऐसा चिकन खुद से बना के खाने का मजा ही कुछ और था। देखो गाइस चिकन एकदम बढ़िया तरह से पक रही है, हमने बनाया और चिकन रेडी हो गया। हम लोगों ने खा के टेस्ट किया, फिर थोड़ा थक गए थे, फिर जाके हम लोग रूम पे आके सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था तो हम लोग ये खा पी के एंजॉय करके सब जाके 9:30 बजे सब सो गए, एकदम रिलैक्स हो गए थे। हम लोग यहाँ पे आके एकदम फुल एंजॉय किया, स्विमिंग पूल में आया, मस्त पे खाया पिए, थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा क्रिकेट खेले थोड़े दोपहर को। फिर ये बारहवीं जगह चिकन खा के रेस्ट लेने के लिए हम लोग हमारे कॉटेज पे चले गए। चलो गाइस फिर एक वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।